ये देसी फूड हाय गाइस वेलकम टू एम लाइफस्टाइल मीडिया। आप लोग ठीक होंगे गाइस। अभी हम जो हैं वो अमाना मॉल आए हैं और पहले हम जो थे वो आंटी के घर गए थे और फिर छुके जो है वहाँ पर उनकी मदद की डेथ हो गई थी, उसकी वजह से हमें वहाँ पे उपयोग करने जाना था। फिर भूख लगी हुई थी तो हम अमाना मॉल आ गए क्योंकि हम यहाँ पे पास ही आए हुए थे। ये देखिएगा, अब हम जो है लाहौर चौपाते से जो है वो एक डील ली है हमने। मैं आपको डील दिखाती हूँ कौन सी ली है। ये वाली हमने डील ली है मामा और मैंने। होप सो खाना अच्छा हो। किसी को रिव्यूज पता है तो कमेंट कर दें। क्या देख रही हैं? बाहर नहीं खाना आपने? बाहर बहुत महंगा है, 150 का था। और ये भी 3 साल पहले की बात है जी। तो अभी तो मैं जरूरत भी नहीं कर रही पूछने की, प्राइस शर्मिंदगी हो जाएगी। हाँ, जितनी है मैं, हमने घर पहुँचा ना, पेट्रोल वाला दाम यहाँ पे है 2 पान का। सही बात। हाँ वाकई 2 पान खाने का खर्चा और हमारा घर पहुँचने का खर्चा बराबर है। तो मैंने कहा बेहतर है गरीब पहुँच जाए, लेकिन यहाँ सोने का तो कोई बंदोबस्त नहीं है। तो अभी मैं जो हूँ वो डील लेने जा रही हूँ। 5 मिनट्स का उन्होंने टाइम दिया था। लेट्स सी अब मिलती है कि नहीं। अभी ये ले लें। अभी हो गई रेडी लोहरी जम्बो डील। सिर्फ आप 2 मिनट वेट कर लोहरी जम्बो डील लेके आए जल्दी से। यहाँ पे ही मैं वेट कर रही हूँ। अभी वो कह रहे हैं 2 मिनट सिर्फ वेट कर लें यहाँ पे खड़े होकर, तो मैं खड़े होकर यहाँ पे ही वेट कर रही हूँ। आप लोगों को इनकी डील्स दिखा देती हूँ। अच्छा ये डील भी है, बाय 1 गेट 1 फ्री। अगर किसी का पिज़्ज़ा खाने को दिल करे तो खा सकता है। इन्होंने गारंटी बहुत दी है कि जो है खाना अच्छा होगा, तो लेट्स सी कि अब खाना कैसा होता है। कह रहे थे आप वरना वापस कर देना अगर आपको ना अच्छा लगा। तो लाहौर चौपाते का नाम तो सुना हुआ है, लेकिन अब खा के चेक करते हैं, आपको भी बताएंगे कैसा है। और जिन्होंने खाया हुआ है वो पहले ही बता दे कमेंट के अंदर के कैसा है। ये हमारी ट्रे जो है अभी लग रही है। बताती हूँ, मामा का दिल था कि पान खाने का, कहती हैं 2 ले आओ, तो मैंने कहा 150 का था। जब सिस्टर आई थी तब 3 साल हो गए हैं और अब जो है ज़्यादा महंगा हो गया होगा, तो इसलिए हमने नहीं खाया और आपको पहले मामा ने बता दिया हुआ है। ट्रे आ गई है, दूसरी ट्रे मैं लेने जा रही हूँ, तो फिर आपको खाना दिखाती हूँ। कर लीजिएगा, ये वाली दूसरी ट्रे है। पहली ट्रे मैं देसी की लेके गई हूँ। मामा खाते हुए हमला करते हैं, ये देख लें क्या चीज़ें मिली हैं। ये हमें समझ नहीं आई ये क्या है, और ये फास्ट फूड जो कि कभी कभी खाना चाहिए वैसे हार्मफुल होता है। चटनी है, ये सब्जी है, क्या है, खा के भी नहीं समझ आ रही वैसे अच्छा खाना है कि नहीं। ये सारे खा लें। पिज़्ज़ा बहुत ही यमी है। अभी तो मैंने यहाँ से शुरुआत की है, एक चीज़ तो हमें पता नहीं चली और आप लोग भी ये ले खा ली। ये देखिएगा, असल में ना ये हमने पान ले ही लिया। क्यों? क्योंकि मैंने कहा चलो मैं खिला देती हूँ, मामा ने खाना खिलाया था, मैंने किराया भी देना है, तो मैंने कहा चले मैं ये खिला देती हूँ।
मुझे वफा दे रहे नाम इनका है शरीर सिंह। आप बच्चों के लिए बना, आप बता देंगे कौन कौन से मिलते हैं यहाँ पे? यहाँ पे फ्लेवर है चॉकलेट कैरमल विद्वेयर स्ट्रॉबेरी मिंट मुरब्बा काम खजूर, और उसके बाद स्पेशल जो है हमारा चाय मीठा पान है, और उसके अलावा सिंपल भी है सॉफ्ट फूड एक्सपायरी। फ्रेश है, बहुत मज़े का है। आप हाँ जी, जब भी आप माना मॉल आएँ यहाँ पे ज़रूर खाइएगा। ओके थैंक यू। अभी हम जो हैं बाहर जा रहे हैं, खाना हमने खा लिया है। ये देखें ये आप लोगों के लिए मैंने लिया है, जिसने लेना ले ले फ्री में। ये देखें लाइम लाइट है, लाइम लाइट के कपड़े देखें, न्यू स्टॉक। बाहर की तरफ जाते हुए ये जो लड़की है हाँ जी, मैं इसको जानती हूँ। अच्छा, ये इस तरह इसने तस्वीर क्यों हैरानगी से खिंचवाई है? हाँ, इसकी इतनी गलतियों तो नहीं थी। तो वो बहुत परेशान है, उसकी फोटो उन्होंने लगाई। ओए ओए, फूल भी है उसके हाथ में, उसका क्या किस्सा है? ये इधर आके दिखाई नहीं दे रहा, ये देखे ना, वो कह रही इससे बेहतर था मैं पुलिस सुन लेती। अच्छा, जितने ये कपड़े पहन के हो रही है। जी गाइस, तो हम घर आ गए हैं, चेंज भी कर लिया है। तो आकर हमने जो है वो बाहुबली के साथ प्ले किया है, क्योंकि गर्मी थी तो बहुत ज़्यादा लेजी हुए हुए थे वो। तो सिम्बा और बाहुबली दोनों ही जो है ना, वॉशिंग एरिया पीछे हमारा जहाँ पे वो होते हैं ना, उसकी पीछे वाली एक और गली है, तो वहाँ पे जो है वो वॉशिंग एरिया है, टाइल्स लगी हुई हैं, बहुत ठंडा ठंडा होता है, तो वहाँ पे जाके बैठ गए। और वहाँ ना सिम्बा सोया हुआ था, बाहुबली उठा होता, तो मैं अंदर ले आई मामा और मैंने उसके साथ प्ले किया, और उसके बाद जो है उसको मैं बाहर ही छोड़ आई। और अब मैंने कहा कि मैं जो हूँ एंडिंग कर लूँ। तो उम्मीद है गाइज़ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। इसी के साथ अगले व्लॉग में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।